आज से थोड़े 84 से नर्सिंग होम फर्जी डॉक्टर के खिलाफ बोल। आपको क्या बोलू, एक मिनट में डॉक्टर देख लेते हैं, 20,000 का जांच, 40,000 का दवाई, 40,000,000 करोड़ रुपये का मेडिकल माफिया है इंडिया में। पैसा सबको पैसा पहुंचने लगा होगा, सबको एवरीवन ऊपर से। भैया पप्पू यादव क्या करेंगे, मेरा बस चले तो दिन में फांसी दे दें इन सबको। कौन नहीं पीता है, कौन नहीं पोर्न देखता है? तो अभी तो ये मुद्दा है, इसको आप देखिए और इसकी जांच चाहते हैं, इस पर दूसरा कोई हल नहीं होगा और हम यहीं से धरना का शुरुआत करेंगे। यादव आज पहुंचे जिस अस्पताल में दर्जनों लोगों की आंख की रोशनी गई है, 2 दर्जन से अधिक आंख की रोशनी गई है। पीड़ित परिजनों को पप्पू यादव ने पैसा दिया है। पप्पू यादव जी, एक दिन में 65 ऑपरेशन हो रहे हैं, एक ही डॉक्टर कर रहा है, वो डॉक्टर पहली बार इस अस्पताल में ऑपरेशन कर रहा है, बताइए क्या स्थिति है? भैया हमको तो समझ में नहीं आता, एक ही जगह हो तब ना, बहुत क्लियर है। हम बार बार आज से थोड़े 84 से नर्सिंग होम फर्जी डॉक्टर के खिलाफ बोल रहे हैं, सही डॉक्टर के पक्ष में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ये एनजीओ के द्वारा, और इसमें ड्रग्स इंस्पेक्टर से लेकर के सिविल सर्जन से लेकर ऊपर से लेकर सब इन्वॉल्व, सबको पैसा पहुंचता है यहां से लेकर ऊपर तक। स्वास्थ्य मंत्री का क्या काम है? सबसे ज्यादा भूमिका तो सरकार में यही लोग हैं, जब से सरकार बनी 16 साल से स्वास्थ्य विभाग इसी के पास है, बीजेपी के पास है, बाईपास में कुकुर मुत्ते के तरह। अब जो हालात हैं, जितनी बड़ी बड़ी घटना, आपको क्या बोलूं, एक मिनट में डॉक्टर देख लेते हैं, 20,000 का जांच, 40,000 का दवाई, जो ऑपरेशन नहीं करना ऑपरेशन कर देना है, हार्ट का ऑपरेशन नहीं होना है कर देना है, किडनी का नहीं होना है कर देना है, न्यूट्रस का नहीं निकालना है कर देना है, घुटने का नहीं करना है कर देना है, नी का नहीं करना है कर देना है। दुनिया में सबसे ज्यादा जांच पर पैसा, दवाई पर पैसा, और जबरदस्ती आम लोगों की जिंदगी को तबाह करने वाला ऑपरेशन भारत, 40,000,000 करोड़ रुपया, 40,000,000 करोड़ रुपये का मेडिकल माफिया है इंडिया में। पर्यावरण का सर्टिफिकेट नहीं, सैनिटाइजर किसी भी चीजों का सर्टिफिकेट नहीं होगा, और हॉस्पिटल खुल गई, अट्टालिका बन गई। आवास इंक्वायरी जांच, हाईकोर्ट के अंदर मॉनिटरिंग, प्रबंधक को जेल, पीड़ित को 2,00,000 रुपया, और डॉक्टर्स के उनके सर्टिफिकेट को कैंसिल। मामला आने के बाद सिर्फ जांच की गई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसको कैसे? पैसा सबको पैसा पहुंचने लगा होगा, सबको एवरीवन ऊपर से। भैया पप्पू यादव क्या करेंगे, मेरा बस चले तो दिन में फांसी दे दें इन सबको, मेरा बस चल रहा है, सब अपराधी माफिया, शराब माफिया, सब पब्लिक का बन जाता है दुलरवा, जमीन माफिया। ये मुजफ्फरपुर जितना भगवान नहीं आया होगा उतना हम आ गए, सब माफिया नेते हैं यहाँ, सब नेता को पैसा पहुँचेगा। विधानसभा में ये मुद्दा अभी तक नहीं उठा है, विधानसभा में खाली बोतल, खाली बोतल हद हो गया। सबका जांच कराइए ना, कौन कौन रात में पिया, कौन कौन नहीं पिया, सब पीता है, कोई इसमें कोई ड्रग्स, कोई कुछ हो, कोई धंधा है, कौन नहीं पीता है, कौन नहीं पोर्न देखता है, सबका। ये नेता लोग, आई पब्लिक का जो हाल है ना, ये खत्म कर दिया, नहीं तो 7.5 करोड़ लोग गरीब होते बिहार में, 7.5 करोड़, एक डिसमिल जमीन नहीं है, इस पर चर्चा नहीं हो रही, भर्ती पर चर्चा नहीं हो रही है, नियोजित पर चर्चा नहीं हो रही है, नियुक्ति वाला चर्चा नहीं हो रही है, दुनिया के सबसे निचले प्रधान में अस्पताल है उस पर चर्चा नहीं हो रही है,
एजुकेशन सबसे निचले प्रधान पे चर्चा नहीं हो रही है, सबसे ज्यादा पलायन उस पर चर्चा नहीं हो रही है, सबसे ज्यादा बोतल इन्हीं लोगों को कहां से मिल रहा है जबकि इन्हीं लोगों के टेबल पर बोतल सबसे ज्यादा है। विधानसभा में कौन ले गया बोतल, इसकी जांच तो होनी चाहिए। सिर्फ क्योस पैदा करने के लिए, बातों को डाइवर्ट करने के लिए आप लड़ना नहीं चाहते, तो अभी तो ये मुद्दा है, इसको आप देखिए और इसकी जांच चाहते हैं, इस पर दूसरा कोई नहीं होगा और हम यहीं से धरना का शुरुआत करेंगे। कई सारी बातों को जब सुबह पप्पू यादव ने कहा है, उन्होंने कहा है अस्पताल प्रबंधक की गिरफ्तारी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और पीड़ित जो लोग हैं, पीड़ित मरीज है, उन्हें 2-2 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए शायद, और कई सही सारी बातों को कहा है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। तो क्या बाहर भेज करता है जी। हाँ अभी तो आइए, आइए आपको किसने लाइफ दिया कि 365 आपको दो सिर्फ मेडिकल कोर्स दिया या रूल क्या 300 ऑपरेशन करना है जी ना 2800 दो सिर्फ दिन रात मिला नहीं हम दो सिर्फ